तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSD के बारे में कि SSD आखिरकार होता क्या है और आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को SSD के साथ क्यों अपग्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SSD के बारे में कि SSD आखिरकार होता क्या है। तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और SSD एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस ही होता है हार्ड डिस्क की तरह ही, मगर SSD हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में काफी ज्यादा फास्ट होता है। अब SSD हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में फास्ट क्यों होता है इसके बारे में आप जान जाओगे अगर आप ये चार रीजन जान जाओ कि आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को SSD के साथ क्यों अपग्रेड करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है स्पीड। तो SSD जो है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट होता है और इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप SSD और हार्ड डिस्क इन दोनों के अंदर का मैकेनिज्म देखोगे तब आपको पता चलेगा कि SSD के अंदर का जो भी मैकेनिज्म होता है ना वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बेस्ड होता है। वहीं अगर हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें मूविंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है जो कि मूव करता है जब ये काम करता है। तो और यही रीजन है कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में SSD जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और आपके सिस्टम को या फिर आपके लैपटॉप की काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। दूसरा रीजन है पावर कंजप्शन। तो SSD जो है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी कम पावर कंज्यूम करता है क्योंकि SSD के अंदर का जो भी मैकेनिज्म होता है ना वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बेस्ड होता है और इसके अंदर जो भी चिप लगे हुए होते हैं ना वो माइक्रो कंट्रोलर चिप्स लगे हुए होते हैं जिसके वजह से ये काफी कम जो भी बिजली होता है वो खपत करता है। मतलब कि पावर कंजप्शन जो है वो SSD के केस में काफी ज्यादा कम होता है। इसलिए आप अपने लैपटॉप में कभी अगर SSD लगाते हो तो आपका जो भी लैपटॉप का बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। वहीं आप अगर अपने कंप्यूटर में SSD लगवाते हो तो आपका जो भी बिजली का खपत है ना वो काफी ज्यादा कम होता है। तीसरा रीजन है ड्यूरेबिलिटी। तो SSD जो है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में क्योंकि हार्ड डिस्क में मूविंग मैकेनिज्म होता है जिसके वजह से आपका लैपटॉप कभी अगर बाय चांस गिर जाता है तो ऐसे केस में अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाए तो हो सकता है, लेकिन SSD आपका कभी खराब नहीं होता है, काफी कम चांसेस होता है SSD खराब होने का। वहीं हार्ड डिस्क में मूविंग मैकेनिज्म होता है जिसके वजह से उसका खराब होने का चांसेस जो है वो काफी ज्यादा होता है। चौथा रीजन लेस नॉइस। तो SSD जो है वो काफी कम नॉइस प्रोड्यूस करता है, ना के बराबर नॉइस प्रोड्यूस करता है। वहीं हार्ड डिस्क अगर हमारे लैपटॉप में लगा हुआ रहता है और जब भी हम कुछ भी हार्ड टास्क परफॉर्म करते हैं अपने लैपटॉप में तब एक अजीब सा आवाज सा आता है अपने लैपटॉप से, तो वो बिल्कुल भी नहीं आता है SSD के केस में। अगर आपके लैपटॉप में आप SSD इंस्टॉल करते हो तो ये जो भी नॉइस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अगर बात करें डिसएडवांटेज के बारे में तो SSD का कुछ भी मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं है, बस इतना है कि SSD थोड़ा सा महंगा होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में क्योंकि इसमें हमें ज्यादा स्पीड भी देखने को मिलता है। तो भाई ये प्राइसिंग वाला गेम करने से नहीं होगा कि हाँ SSD ज्यादा महंगा आता है, इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि SSD हमें हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, हमारा सिस्टम फास्ट हो जाता है, हमारे लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो भी प्राइसिंग है उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप भी अपने लैपटॉप को SSD के साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको जरूर से अपग्रेड करना चाहिए। कुछ बेस्ट जो भी SSD है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जरूर से चेक कर लेना। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके पूछना अगर आपको कुछ भी पूछना है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।